अगले साल फरवरी 2024 में रूस यूक्रेन युद्ध को पूरे 2 साल हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नेटो को घेरने के लिए नाकाबंदी शुरू कर दी है और ये घेराबंदी आर्कटिक महासागर में नॉर्वे के करीब हो रही है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि यूक्रेन के बाद अगला नंबर नॉर्वे का हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि आर्कटिक महासागर में रूस तेजी से सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है, जो नेटो समेत अमेरिका और रूस के बीच गतिरोध का नया केंद्र बन सकता है। दरअसल रूस नॉर्वे के स्वालबार्ग आर्किपेलागो के पास बड़े पैमाने पर अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है और हाल ही में इसी इलाके के करीब रूस ने अपनी 2 परमाणु पनडुब्बियों का परीक्षण भी किया था। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि आर्कटिक महासागर में जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे तेजी से हो रहा है और ये संभावित सैन्य गतिरोध की जगह भी बन सकता है। इससे रूस और अमेरिका और नेटो सहयोगियों के बीच सीधा युद्ध छिड़ सकता है। दरअसल रूस आर्कटिक महासागर में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम में घुसपैठ करने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। अगस्त 2023 में रूस और चीनी सेना के संयुक्त बेड़े को अलास्का के पास सैन्य पेट्रोलिंग करते हुए देखा गया था। आपको यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि रूस अमेरिका और नेटो के मुकाबले आर्कटिक महासागर में 1/3 से ज्यादा हिस्से पर अपने सैन्य अड्डे चला रहा है और जानकारों का कहना है कि आर्कटिक महासागर में सैन्य मौजूदगी के मामले में अमेरिका रूस से 10 साल पीछे है। दूसरी तरफ नॉर्वे, जो नेटो का सदस्य है, उसकी रूस के सैन्य प्रतिष्ठानों के निकटता के कारण अब वो इन घटनाक्रमों पर बेहद ही बारीकी से नजर बनाए हुए है। इसको लेकर नॉर्वे की खुफिया एजेंसी की पूर्व डिप्टी हेड हेडविग मोए का कहना है कि रूस के लिए नॉर्वे बेहद ही अहम है, क्योंकि सालवार्ड समेत पूरे नॉर्वे का उत्तरी हिस्सा रूस के कोला के करीब है। कोला में रूस ने अपनी परमाणु पनडुब्बियां तैनात की हैं, जो नॉर्वे की सीमा से बेहद पास हैं। इन पनडुब्बियों को अमेरिका की ओर जाने के लिए एक स्पष्ट रेखा की जरूरत है, ताकि वो अमेरिका के साथ युद्ध की स्थिति में अपने परमाणु हथियार लॉन्च करने में सक्षम हो सके। लेकिन हमें उम्मीद है कि वो स्थिति में नहीं होंगे, लेकिन ये रूस की रक्षा रणनीति का हिस्सा जरूर है। आपको बता दें कि नॉर्वे की डिप्टी पूर्व इंटेलिजेंस हेड हेडविग ने पिछले साल